जहाँ भगवान नहीं पहुँचता वहाँ कोई न कोई माध्यम जरूर भेज देते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है जौनपुर जिले के केराकत इलाके में, जहाँ कई ग्राम प्रधान मिलकर कोरोना पीड़ितों को भोजन मुहैया करा रहे हैं। रोजाना लगभग 500 लोगों को भोजन कराना मानवता के लिए मिसाल बन रहा है। गौरतलब है कि इस कोरोना महामारी से लॉकडाउन के संकट में कुछ लोग मानवता का जीवंत मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जौनपुर जिले के केराकत विकास खंड में प्रधान संघ के अध्यक्ष कमलेश यादव के नेतृत्व में सराय बीरू चौराहे पर प्रवासी मजदूरों के लिए लंच पैकेट की व्यवस्था बीते 7 दिनों से लगातार चलाई जा रही है। वही रोजाना उस रास्ते से गुजरने वाले लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे संवाददाता विपिन सिंह से खास बातचीत करते समय कमलेश यादव ने बताया कि लगभग 500 लोगों को रोजाना भोजन मुहैया कराया जा रहा है। तेज बोलिए। मेरा नाम श्याम है, रायपुर से आया हूँ। रायपुर से पैदल आए थे, फिर वहाँ से वहाँ के पुलिस चौक चौक पे मिलते थे, वो बिठा देते थे ट्रक पर। तो हम लोग वहाँ से बनारस तक तो ऐसे ही आए ट्रक पर, फिर बनारस से इधर कोई सुविधा ही नहीं मिला, तो कोई दिखाई नहीं रहा था। हम पैसे भी देने को तैयार थे, ना ट्रक ना टैक्सी ना कुछ। फिर रास्ते में हमने साइकिल से पैदल जा रहे चलाते हुए जा रहे हैं। रास्ते में और क्या क्या दिक्कतें आई आपको? और नहीं, कोई दिक्कत नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आया, बस सुविधा नहीं मिला बस। खाने पीने के लिए चीज़ें किस तरीके से अवेलेबल? खाने पीने का अपने इधर उत्तर प्रदेश में तो कुछ नहीं, इतना सुविधा मिला है, पहली बार इधर हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ में हर जगह खाने पीने का, हर जगह मतलब सारे बिठा बिठा के खाना खिलाते हैं। जो प्रवासी मजदूर, हम तो पहले बात आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, इस लॉकडाउन में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मनाते हुए, और जो प्रवासी मजदूर बेचारे आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, तो हम लोगों ने उन लोगों को निःशुल्क खाने भोजन की व्यवस्था कराया है। यह कार्यक्रम हमारा छठवां दिन है, और यह कार्यक्रम हमारा 15 दिन चलेगा। अगर कहीं इसके बाद भी मजदूर आते रहेंगे तो हमारा फिर कार्यक्रम इसके लिए आगे चलता रहेगा। हम दिन में 700 से 800 लंच पैकेट बनता है, और सुबह 8 बजे चलता है, शाम को 6 बजे तक हम लोग का कार्यक्रम चलता है। डेली 700 से 800 पैकेट चल रहा है। हम लोगों ने निर्णय लिया जो कि जौनपुर बनारस जो भी चल के हमारे यहाँ जिले चौराहे से, सियवली किराकर चौराहे, थाना गद्दी चौराहे से जो भी चल के प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, हम उन लोगों को दौड़ा दौड़ा के भोजन देने का प्रयास कर रहे हैं। समाज के लिए हम संदेश देना चाह रहे हैं कि जो भी मजदूर बेचारे फंसे हैं, पैदल जा रहे हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, वंदन करते हैं कि आप उनको, उन मजदूरों को भोजन कराएं, पानी पिलाएं, हेड दृष्टि से ना देखें। और ये प्रक्रिया आगे भी इसी तरीके से चलती रहेगी। इस काम में उनका साथ केराकत के अन्य प्रधान भी बखूबी दे रहे हैं। वे भोजन वितरण के दौरान सरोज वडेवर के प्रधान जय सिंह यादव समेत किशन यादव प्रधान, नरहन व राय साहब, राजेश कुमार, लाल जी, राजेश सिंह, रामचंद आदि शामिल थे। रिपोर्टर्स पेज के लिए विपिन सिंह की खास रिपोर्ट।